स्वर्गीय पिताजी हमेशा कहा करते थे कि कभी भी किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, ऋण से उऋण होना चाहिए। हमारी जो भी आज स्थिति है सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक भी, उसमें हमारी दुकान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने राजनीति भी की तब भी दुकान पर आकर बैठता था, सुबह 5:30 बजे मील चालू रहता तो 5:30 बजे दुकान में खुलता था, 9 बजे तक मैं बैठता था, उसके बाद कॉलेज जाता था। ये हमारी मतलब शुरुआत जो हुई है वो सब दुकान के कारण ही हुई है। कोशिश ये करना चाहिए व्यक्ति को कि अपने ऊपर अगर किसी का ऋण हो तो उसको उतारना चाहिए। मैं कहीं पर भी पहुँच जाऊँ पर दुकान हमारी है और दुकान में मैं हर साल बैठता हूँ, जिससे मुझे अपनी हैसियत का अंदाज रहे कि मैंने अपना जीवन कहाँ से प्रारंभ किया। इस बार राष्ट्रभक्ति वाली बात भी है इस दिवाली पे, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें एक दीप सैनिकों के नाम पर भी जलाए तो उन्हें बधाई दें। मैं देख रहा हूँ कल से लेकर आज तक टीवी पर भी देखा, उससे भी लोगों ने बाइट ली कि सैनिकों को बधाई दीजिए। तो इस दिवाली में एक विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने देशभक्ति का पुट भी लगा दिया, और मैं देख भी रहा हूँ कि जो चीनी चाइना के सामान का बहिष्कार हुआ उसका प्रभाव भी बाजार में पड़ा। तो ये सब राष्ट्रभक्ति का ज्वर है जो मुझे कहते हुए फक्र है कि ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के देश के अंदर आया है। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं, देखिए अब केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय समझौते वो उससे बंधे हुए हैं। सरकारें बंधी पर जनता बंधी हुई थोड़ी। जनता अगर नहीं पसंद करती है तो, और जनता चाइना सामान का बहिष्कार करेगी तो कौन आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये पूरा की पूरा एक माहौल जनता के बीच में वह, देखिए एक बात बताऊं आपको, प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा था कि 125 करोड़ जनता का प्रेशर दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा होता है। ये जो चाइना का बहिष्कार है सामान का, ये सरकार ने नहीं किया, ये जनता ने किया। और जनता का जब प्रेशर बनेगा तो चाइना को भी समझ में आएगा कि देश की जनता, भारत देश की जनता जिसके ऊपर हम बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ की जनता के प्रति, जनता का हमारे प्रति रुख अच्छा नहीं है। हो सकता है वो अपना रुख बदले। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, उसमें जनमत का भी विश्व में असर हो, ये प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते वक्त कहा था। मुझे लगता है कि इसका असर दिखाई दे रहा है। मुझे कहते हुए गर्व है कि पहली बार जनता को ये महसूस हो रहा है कि सेना है और सेना काम कर रही है, किसी से रोज परमिशन नहीं ले रही है, स्टैंडिंग ऑर्डर है सरकार के कि उधर से अगर एक गोली आए तो सामने से 10 गोली चलाओ, पूछने की जरूरत नहीं किसी से। तो ये जो सेना का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है, उसका प्रभाव है कि आज पाकिस्तान बौखला रहा है, पाकिस्तान को विश्व जगत के अंदर कॉर्नर कर दिया। और ये उनकी जबरदस्त कूटनीति है कि पाकिस्तान के अंदर अब गृह युद्ध भी प्रारंभ हो गया है, पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जनता में आवाज़ उठने लगी है। बलूची का अपन उदाहरण दें, बहुत सारी। तो इसमें जो विदेश नीति में प्रधानमंत्री जी बहुत सफल है, और उसका परिणाम है कि अगर पाकिस्तान एक हमला करता है तो हमारी तरफ से 10 हमले करते हैं।